स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीपीएससी के माध्यम से पीसीएस परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर 2020 को संपन्न कराया गया और इस परीक्षा के संबंध में काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि इस बार जो कट ऑफ है 2020 के लिए प्री एग्जाम्स की, वो मेंस एग्जाम्स के लिए जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स किए जाते हैं, कितने अंकों पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से यहाँ पर यदि आपकी बात की जाए कि आपका जो सिलेक्शंस है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है, तो उससे पहले जान लेना होता है कि आपकी अटेंडेंस कितनी रही है। तो यहाँ पर आपको जानकारी दे दूँ कि लगभग यहाँ पर 47% उपस्थिति दर्ज कराई गई है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके 53% स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिया है, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं। और ये कारण आप कुछ भी समझ सकते हैं, कोरोना का कारण समझ सकते हैं, या आपके जो सेंटर हैं वो थोड़ा सा दूर दूर बनाए गए थे, ये कारण भी बन सकता है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स की तैयारी जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर उपस्थिति जो है काफ़ी कम मात्रा में हुई है। आमतौर पर ये जो उपस्थिति है ये लगभग यहाँ पर 70-80% के आसपास होती थी। 20% के आसपास स्टूडेंट जो है यहाँ एग्ज़ाम्स नहीं देते थे, लेकिन बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम छोड़ा है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आपकी जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी करता है, जिसकी तैयारी बेहतर होती है, वो एग्ज़ाम्स देने जाता है, वो एग्ज़ाम छोड़ने की कोशिश जो है नहीं करता। एग्ज़ाम लेवल की यदि बात की जाए तो देखिएगा, एग्ज़ाम्स लेवल्स जो है आपका दो प्रकार से यहाँ पर चेक किया जा सकता है। एक होता है आपका प्रीवियस, अर्थात पिछला जो आपका एग्ज़ाम्स हुआ था, यानी कि पिछला वर्ष जो आपका एग्ज़ाम्स हुआ था 2019 का, और इस वर्ष जो है 2020 में क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। तो 2019 का जो एग्ज़ाम था वो हमने भी देखा था और स्टूडेंट्स ने भी दिया था, और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें ऐसे होते हैं जो लगातार एग्ज़ाम्स देते हैं, अर्थात उन्होंने 2019 का भी दिया होगा और 2020 वाला भी। डिफरेंस साफ साफ देखने को मिलता है कि ये जो एग्ज़ाम था ये आपका जो है 20% हार्ड था अकॉर्डिंग टू 2019 के एग्ज़ाम्स के मुकाबले। 2019 में यदि आपके जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर 120 सही थे, तो यहाँ पर यदि 2020 में बात की जाए तो वो क्वेश्चन आपके 100 ही सही कर पाया है स्टूडेंट। ये आपके क्वेश्चन के स्तर की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन का जो लेवल था आपका 20% के लेवल के आसपास आप समझ सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम था वो हार्ड है पिछले एग्ज़ाम्स के मुकाबले। कठिन प्रश्न पत्र आपका जो है पेपर फर्स्ट और पेपर टू दोनों का रहा है। पेपर फर्स्ट आपका जो है 150 क्वेश्चंस का होता है, उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हमें मिले और उनसे हमने बातचीत की और बताया गया कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 120 के आसपास जो है अटेम्पिंग की जा रही है क्वेश्चंस की। उसमें से आप समझ सकते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो निकलता है रेशो निकल के आता है 15-20% का आपका जो है गलत क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो आपको एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग जो है गलती पाई जाती है, और इसके लिए आपको जो है यहाँ पर दंड भी रखा गया है, अर्थात नेगेटिव मार्किंग भी इस बार लागू की गई है। 2018 से हालांकि लागू है, तो नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रियाओं से भी आपको गुजरना पड़ेगा। तो कट ऑफ को जो है सीधे तौर पर नेगेटिव मार्किंग और आपका जो लेवल्स है वो हार्ड है ये प्रभावित करता है। प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ और इस वर्ष की कट ऑफ में डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो पिछले वर्ष के मुकाबले आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 10% तक आपकी कम रहेगी। यहाँ पर मैं आपको जो है मार्क्स के बारे में नहीं बताऊंगा कि मार्किंग आपकी कितने अंकों में से कितनी दी जाएगी, मैं सीधे तौर पर सीधी बात करता हूँ कि 150 क्वेश्चंस आपके थे फर्स्ट पेपर में। 150 क्वेश्चंस में से यदि कोई स्टूडेंट जनरल का कैंडिडेट्स है और पुरुष वर्ग में आता है, तो यदि वो स्टूडेंट जो है यहाँ पर 85 क्वेश्चंस सही कर लेता है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के बाद, 85 प्लस उसका स्कोर बनता है, तो वो देखिएगा यहाँ पर जनरल कैटेगरी में मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ये वैसे तो एक अनुमान है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए शोध किया गया और जानकारी निकाली गई, उसके माध्यम से ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है। यदि फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं
तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये जो स्कोर है ये 80 प्लस के आसपास रहेगा आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। ओबीसी कैटेगरी की यदि बात की जाए, ओबीसी कैटेगरी में आपका जो मेल कैंडिडेट्स है उसके लिए यहाँ पर स्कोर जो बनता है वो 82 प्लस बनता है, और महिला कैंडिडेट्स में ये जो स्कोर है वो 79 प्लस आपका हो जाता है। EWS कैटेगरी के लिए अलग से रिजर्वेशन है 10% का, तो उसके लिए अलग से आपकी कट ऑफ बनेगी, और ये जो कट ऑफ है ये आपकी लगभग आप समझ सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है या तो एक अंक ऊपर रहेगी OBC से या एक अंक आपकी नीचे रहेगी। तो 81 से 83 के बीच आपकी जो अंकिंग है तो मार्किंग है उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो स्कोर है यदि यहाँ पर बिलोंग्स करता है नेगेटिव मार्किंग के बाद तो आपका मेंस के लिए हो सकता है। महिलाओं की यदि बात की जाए तो महिलाओं की जो मार्किंग है वो यहाँ पर देखिएगा 78 से आपका 80 के बीच रहेगी। यहाँ पर SC कैटेगरी में बात की जाए और पुरुष कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो 77 प्लस स्कोर जिन लोगों का है नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, तो UPPCS के लिए मेंस के लिए आपको चुना जा सकता है, और इसमें यदि फीमेल कैंडिडेट्स को भी जोड़ा जाए तो आपका स्कोर यदि 70 प्लस भी है तो आपको जो है मेंस के लिए चुना जाएगा। ST कैंडिडेट्स की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में 70 प्लस स्कोर जो है बेहतर स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा, और महिला वर्ग में जो है आपका 68 प्लस स्कोर जो है एक बेहतर स्कोर रहेगा। तो ये जो है आपके जो क्वेश्चन है 150 उसी के बेसिस पर बताया गया है कि इतना आपका जो क्वेश्चन है यदि सही है तो आपको जो है मेंस के लिए चुना जा सकता है। यहाँ पर यदि बात की जाए वैकेंसीज के बारे में तो वैकेंसीज आप समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर में जो आपकी वैकेंसी थी उससे लगभग 50% वैकेंसीज आपकी जो है इस बार कम है। तो वैकेंसीज वैसे तो टेंटेटिव है, आमतौर पर ये देखा जाता है जब आपकी भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आता है उसी के समानता में ये जो वैकेंसीज हैं वो घटाई या बढ़ाई जाती हैं। मैक्सिमम केसेज में ये जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ाई जाती हैं, तो यहाँ पर भी संभावना यही है कि आपके जो पदों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी जब आपका प्री का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज भी डिक्लेयर की जाएगी जो आपकी फिक्स वैकेंसीज होंगी। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए यहाँ पर इतनी रहेगी, OBC के लिए 82 प्लस, EWS के लिए 81 प्लस, और SC के लिए 77 प्लस, ST के लिए 70 प्लस आपकी जा सकती है। तो आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा, तो अपनी राय भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।